हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो हम बैठे हुए हैं पार्क में। सो आज हम आपको घुमाएंगे दुबई मॉल। और तो गाइस, दुबई मॉल जो है वो काफ़ी बड़ा मॉल है और इसके आसपास के जो एरिया हैं, जैसे कि एड्रेस फाउंटेन हो गया, द एड्रेस होटल हो गया, बुर्ज खलीफा मेन हो गया, बे एवेन्यू मॉल, बिजनेस बे, एमरेट्स टावर एंड थोड़ी दूरी जाके द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, मॉल ऑफ जवील, कोका कोला अरेना, द दुबई फार्म। मॉल के अंदर ही दुबई एक्वेरियम है। तो जो ये दुबई मॉल है, ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मॉल है, जो कि पहले नंबर का ईरान का मॉल है। इसका टोटल एरिया के हिसाब से दुनिया के 26वें नंबर पे आता है ये, जिसका कुल एरिया साइज जो है 5,20,000 स्क्वायर मीटर का है। और ये तकरीबन इसका जो वैल्यू जो लगाया जाता है, ये 20 बिलियन डॉलर का डाउनटाउन कॉम्प्लेक्स है, जो कि बुर्ज खलीफा से सटा हुआ है और इसमें 1200 से भी ज़्यादा शोरूम और दुकानें हैं। 2011 में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है ये। और साल में इसको तकरीबन 54 मिलियन लोग इसको देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो इसकी ओपनिंग जो दो बारी की डिले होने के बावजूद इसकी ओपनिंग हुई थी 4 नवंबर 2008 को हुई थी। दुबई मॉल की ओपनिंग के 5 दिन में 61,000 टिकटें बिकने का रिकॉर्ड भी है। इस मॉल को बनाने के लिए वॉलफेयर विट्टी अल घाटी और टर्नर जॉइंट वेंचर के साथ मिलके इसको एमआर प्रॉपर्टी के लिए बनाया गया था और इसे 2006 में पूरा किया जाना था, बट ये 2008 में बनके तैयार हुआ। और इसमें काम करने वाले लोग जो आए थे वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग थे। फिर 2012 के लगभग इन्होंने एक 820 मीटर का लंबा एक फुट ब्रिज बनाया, जो कि बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के लिए बनाया गया है। तो गाइस, बुर्ज खलीफा का व्यू कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हैं आप। ये बिल्डिंगें बहुत छोटी छोटी लग रही है, ये वैसे हैं बहुत बड़ी बड़ी, बट बुर्ज खलीफा के सामने छोटी लग रही है। यहाँ पे काम करता था 33 माले पे काम करता था मैं। लिफ्ट से उतरो उसके तो मतलब काफ़ी देर तक ऐसे रहता था सन करके। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा होता है, तो उसने मेरे को बताया कि भाई बहुत ज़्यादा आना जाना मत किया कर, इसलिए होता है, हमारे भी होता है। ये है दुबई मॉल, चारों तरफ लाइट ही लाइट, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इधर यहाँ पे हम आए थे, मैं सोचा मस्त मस्त ब्लॉग बनाएंगे, तो अभी एक सिक्योरिटी वाले ने बोला है कि आप यहाँ पे गिम्बल यूज नहीं कर सकते। वीडियो बनाना है, जो मर्जी करना है वो आप कर सकते हैं, बट आप गिम्बल यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी सबसे ऊपर के फ्लोर में हैं, नीचे के फ्लोर यहाँ से ऐसे दिखते हैं, बस कहीं फ़ोन ना छूट जाए हाथ से। फिर यहाँ पे 2013 में दुबई मॉल, बताया जाता है कि दुबई मॉल की वजह से यहाँ पे 27% की वृद्धि हुई है। 25 फरवरी 2010 को एक्वेरियम जिसमें वो शार्क वगैरह होती हैं, इसमें एक लीकेजिंग हो गया था, फिर मॉल को खाली करना पड़ा था। फिर मार्च 2015 में 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक करी थी, जो कि ओवर टाइम के वजह से हुई थी। फिर वो एक घंटे के अंदर अंदर
पुलिस ने इस चीज़ पर काबू पा लिया था। फिर यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 को एड्रेस होटल में आग लगी थी, जो कि मैंने भी देखा था, ख़तरनाक आग लग गई थी। तो इस मॉल में कुछ मेन मेन चीज़ें हैं, दुबई कोरियम, अंडर वाटर जू, और ये जो है कि इसके अंदर काफ़ी सारे जानवर हैं, जैसे कि इस कोरियम में सार्क और 300 प्रकार के अलग अलग तरीके के जानवर हैं। और इसको MR वालों ने ही बनाया है और इसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंसी का सम्मानित भी मिला 2012 में। और इसके अंदर है VR पार्क, एक एंटरटेनमेंट पार्क है जिसको कि 7100 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है, और इसमें कई प्रकार के गेम होते हैं। फिर इसमें रील सिनेमा भी है, इसमें 22 अलग अलग तरीके की स्क्रीनें लगी हुई हैं और जिसमें 4 मेगा सिनेमा है। फिर इसमें रेन फॉरेस्ट कैफ़े है और इसमें है हिस्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इसमें ये एक तरीके का भूतिया घर है, इसके अंदर लोग जाते हैं और गुफा की तरह है। फिर है दुबई डिनो जो है कि एक बहुत बड़ा डायनासोर है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर से ज़्यादा है और लंबा 24 मीटर लगभग है। 24 अप्रैल 2017 को यहाँ पे अचानक से बिजली बंद हो गई थी, जो कि 90 मिनट के लिए ब्लैक डाउन हो गया था। फिर नवंबर 2019 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण मॉल के कई इलाकों में पानी भर गया था। यह है सिलाई मशीन, इसके तार पुर्जे अलग अलग हैं। मेडिटेशन चल रही है। ऊपर से नहीं है रास्ता। येलो कलर की लैम्बो है। ये लो जी, कुछ इस तरीके से बुर्ज खलीफा का व्यू है। ये देख सकते हैं हमारे सामने, चलो 500 तो घूम गए हम डाउनटाउन दुबई। नहीं नहीं रुको, रेड सिग्नल हो रखा है। चेक, आई कवर होल बुर्ज खलीफा। छाता है जो सामने से दिख रहा था, छाता है क्या है? तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ इस तरीके से था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे को। तब तक के लिए बाय बाय।